हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपको ले चलते हैं बहुत ही अच्छे रिलीजियस प्लेस पे, जो कि है बिलासपुर का धौलरा टेंपल, जो कि नरसिंह देव जी का है। ये बिलासपुर के बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पे है, आपको हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे बस स्टैंड से। आप बाय फीट भी जा सकते हो। और ये है नेशनल हाईवे 21 से धौलरा टेंपल का व्यू। ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, यहाँ पे छोटी सी मार्केट भी है, जहाँ पे आप धूप अगरबत्ती, झंडा या कुछ भी लेना चाहते हो ले सकते हो। और यहाँ पे बहुत अच्छी पार्किंग भी है, तो आपको पार्किंग वगैरह की भी समस्या नहीं आएगी, आप आराम से ये गाड़ी पार्क करके बेफिक्र मंदिर का नजारा उठा सकते हो। तो ये है सामने नरसिंह देव जी का टेंपल, और अभी हम थोड़ी देर में अंदर जाएंगे। ये है एंट्री गेट, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। सबसे पहले हमने शिव भोले जी के पास मत्था टेका। ये है शिव टेम्पल, ये एंट्री गेट के पास में ही है। शिव शंभू, तो चलते हैं अंदर प्रभु का नाम लेके। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और वो सारी फॉलो करके अब हम अंदर मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अब हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नरसिंह देव जी को पीपल के पेड़ बहुत प्रिय हैं, तो यहाँ पे बहुत ही पुराना पीपल और वट वृक्ष दोनों इकट्ठा बहुत ही पुराना पेड़ है, जो कि मैंने बचपन से इतना ही देखा है, पता नहीं कितना पुराना है। और यहाँ पे एक बकरा भी था जो कि बिल्कुल शांत बैठा था। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं, मंदिर के बारे में। तो ये है मंदिर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर। चलो भगवान का नाम ले लेते हैं और मत्था टेकते हैं। नरसिंह देव जी को बजिया भी कहते हैं, तो बहुत ही पुरानी कथा के अनुसार कि बिलासपुर के राजा दीपचंद की रानी कुकुम देवी के साथ कुल्लू से आए थे। राजा ने इस देवता का मंदिर अपने महल के समीप धौलरा में बनवाया था। राजा दीपचंद जो थे वो सन 1653 ईस्वी से 1665 ईस्वी तक पहलूर रियासत का राजकाज संभाला था उन्होंने। और ये जो धौलरा टेंपल है, ये हिमाचल का इकलौता नरसिंह देव जी का टेंपल है, तो नरसिंह देव जी को वीर और वजिया भी बुलाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 52 वीर हैं, वीरों का वर्णन मिलता है। उन 52 वीरों में बाबा नरसिंह जी भी एक हैं। और ये जो मंदिर है, यहाँ हर साल जेठ महीने के हर मंगलवार को मेले लगते हैं, और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु मत्था टेकने आते हैं। और एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा अभी थोड़ा आगे यहाँ राम सेतु से एक पत्थर भी लाया गया है, जिस पे राम का नाम लिखा हुआ है, और वो पानी में तैरता ही रहता है। जब मैं गया था तब वो वहां पे नहीं था, अगली बार आपको जरूर दिखाऊंगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो है, हर मंगलवार को भंडारा होता है, तो अगर आप बिलासपुर के कहीं भी नियर बाय में रहते हो तो आप भंडारे का लुत्फ उठा सकते हो। हम तो कॉलेज टाइम में बहुत जाते थे, और यू नो
हमारा लंच बच जाता था। जय हो नरसिंहदेव जी की। तो यहाँ बाहर छोटी छोटी शॉप्स हैं, अगर आपको कुछ भी लेना हो तो आप ले सकते हो, जैसे नरसिंहदेव जी की मूर्ति। एक्चुअली ये देखिए बाहर भी एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, ये भी बहुत पुराना है। देखिए बाहर से ये नरसिंहदेव का टेंपल कितना अच्छा लग रहा है, पहाड़ों के बीच बहुत प्यारा मंदिर। यहाँ से नीचे लूलू का नजारा आप देख सकते हैं, ये है सतलुज रिवर, गोविंद सागर लेक है ये। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी है जहाँ पे बहुत लोग खेलने आते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।